अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी, जिसका नाम है डेट केक बार्स। रमजान के खजूर आपके सबके पास बाकी ही होंगे, इससे हम आज एक रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप सबके घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी। और ये टेस्ट में तो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही ज्यादा यम्मी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मैं नए और नए अच्छे रेसिपीज आपके लिए लाती रहूं और अपलोड करती रहूं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। डेट केक बार्स बनाने के लिए मैंने यहाँ एक फुल कप खजूर रात भर भिगो कर रखा था पानी में। नेक्स्ट डे मैं इसके सीड्स निकाल कर इसे ग्राइंडर में डाल रही हूँ। याद रखिएगा, हमें एग्जैक्ट एक कप खजूर नहीं लेना है, हमें उससे थोड़ा बढ़कर खजूर लेना है, ताकि वो एग्जैक्ट हम जब पीसेंगे तो वो एग्जैक्ट एक कप खजूर का पेस्ट बनेगा। इसके लिए खजूर में से सीड्स निकालने के बाद अब हम इसे पीस लेंगे बारीक पेस्ट में। ये ज्यादा पीसे नहीं जाएगा, इसलिए हम इसमें 150 ml पानी मिलाएंगे। 150 ml, एग्जैक्ट 150 ml ही पानी मिलाना है, उससे ज्यादा नहीं, वरना जब हम केक बनाएंगे तो बैटर बहुत ही पतला हो जाएगा, इसलिए हमें एग्जैक्ट 150 ml पानी ही डालना है इसमें। पानी डालकर अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। ये रहा हमारा डेट पेस्ट रेडी। अब आते हैं केक बैटर बनाने की तरफ। मैंने यहाँ एक बॉल में स्ट्रेनर रखा है, अब मैं इसमें डेट पेस्ट को स्ट्रेन कर लूंगी। मैं यहाँ डेट पेस्ट इसलिए स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर आए बैटर में, और जो भी बड़े चंक्स जो रहेंगे वो अलग से निकल जाए, इसलिए हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे एक छन्नी में। चलिए, हमारा डेट पेस्ट स्मूथ सा डेट पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप प्लस 3 tablespoons मेल्टेड बटर, रूम टेम्परेचर बटर। हमें गर्म बटर नहीं डालना है इसमें, रूम टेम्परेचर मेल्टेड बटर इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब आते हैं इसकी यूनिक इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है क्रीम चीज। सुनने में बहुत ही ऑड लगेगा, पर ट्रस्ट मी, इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा इसमें, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्रीम चीज डाला है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 4 tablespoons क्रीम चीज। आपके पास जो भी क्रीम चीज हो वो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कैन मिल्क मेड का। हमें पूरा कैन ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ आधा कैन ऐड करना है। हम शक्कर के बजाय इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 cup प्लस 2 tablespoons मैदा इसमें ऐड करेंगे। हमें छान कर ऐड करना है, हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं ऐड करना है, वरना लम्स बन जाएंगे इसमें, इसलिए मैंने यहाँ छान कर 1 cup प्लस 2 tablespoons मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इस सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आखिर के 2 ingredients ऐड करेंगे, जो है 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1/4 cup दूध। हमें दूध रूम टेम्परेचर दूध ऐड करना है, हमें ठंडा दूध ऐड नहीं करना है, वरना बेकिंग इसकी खराब हो जाएगी अगर हम ठंडा दूध यूज करेंगे इसमें। लास्ट 2 ingredients ऐड करने के बाद अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर ज्यादा थिक नहीं रहेगा और ना ज्यादा थिन रहेगा। मैंने यहाँ जैसा वीडियो में कंसिस्टेंसी बताई है, इसकी उतनी कंसिस्टेंसी रहेगी आपके बैटर की। नीचे हमारा इजी सा यमी सा डेट केक बैटर रेडी हो गया है। अब आते हैं इसके बेकिंग पैन में डालने की तरफ। मैंने यहाँ एक स्क्वायर बेकिंग पैन लिया है, आप कोई सा भी बेकिंग पैन ले सकते हो। उसके लिए इसको मैंने ग्रीस कर लिया है बटर से, ब्रश की हेल्प से। आप चाहो तो इसमें बेकिंग पेपर भी लगा सकते हो, मगर ये केक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ बेकिंग पेपर यूज नहीं किया है। बस मैंने यहाँ ग्रीस कर लिया है पैन को। ग्रीस करने के बाद मैंने यहाँ 1.5 teaspoons मैदा डाला है, और उसे मैं अच्छे से डस्ट कर लूंगी पूरे पैन में, ताकि ये हमारा जो बैटर है चिपके ना, और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ये। मैदा डस्ट करने के बाद अब हमारा केक बैटर इसमें डाल देंगे, और ये हमारा रेडी हो गया केक बैटर ओवन में जाने के लिए। बैटर रेडी करने से पहले हमने ओवन को प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए। ओवन प्री हीट होने के बाद ही हम यहाँ केक के बैटर को ओवन में रखेंगे, और सेम टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पर अब हम इसे बेक करेंगे। अपर रॉड एंड लोअर रॉड दोनों भी ऑन रहेंगे,
उसके लिए हमने 45 मिनट्स अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। लास्ट के 5 मिनट्स हमने सिर्फ अपर रॉड ऑन करना है ताकि ऊपर का जो लेयर है अच्छा सा ब्राउन लेयर बन जाए। 45 मिनट्स होने के बाद अब हम इसे ओवन से निकाल लेंगे और 20 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। गर्म ही हमें पैन से नहीं निकालना है वरना ये केक टूट जाएगा। 20 मिनट के बाद हमारा केक अच्छा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अब हम इसे आइस से प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसमें ग्रीस कर मैदा लगाया था, इसकी वजह से हमारा आसानी से ये केक प्लेट में आ जाएगा। लीजिए, हमारा अमेजिंग सा डेट केक बार रेडी हो चुका है। इसका ऊपर का लेयर केकी होता है और नीचे का लेयर सॉफ्ट एंड क्रीमी होता है। आपको फर्स्ट बाइट में ही बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाएगा इंशाल्लाह। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड करती रहूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा।